नमस्कार, स्वागत है आपका आईएनएन 24 पर और आपके साथ मैं हूं प्रीति सिंह। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। धनबाद शहर के धनराज थाना क्षेत्र के पुरुषों और महिलाओं ने बुधवार की देर रात थाने का घेराव किया, जहां स्थानीय लोगों का आरोप है कि मंगलवार को चार व्यक्तियों द्वारा मनाई टांड की एक स्थानीय युवक को जबरन अगवा करने का प्रयास किया गया था। शोरगुल सुनकर स्थानीय लोग एकजुट होकर उन चारों युवकों का विरोध किया था, जिसके बाद वह लोग फरार होने में कामयाब हुए थे। इसी दौरान उनमें से एक व्यक्ति भागने के दौरान गिर पड़ा, जिससे वह घायल हो गया था। मामले में पुलिस ने कार्यवाही करने की बात कही थी, परंतु स्थानीय लोगों का आरोप है कि बुधवार को पुलिस ने सुनियोजित साजिश के तहत मनाई टांड के नागरिकों पर प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें मुकदमे में फंसा दिया है। इसी बात को लेकर मनाई टांड के लोग भारी संख्या में धनराज थाने पहुंचे, जहाँ पुलिस कार्यवाही के खिलाफ विरोध जता रहे हैं। चार सिविल सिविल केस में आए थे बोकारो के, और वो बोल रहे थे कि पुलिस गए हैं। अब तो मेरे भाई को बहुत पीटा था। लोग क्या वर्दी में थे? नहीं, वर्दी में नहीं थे, सिविल ड्रेस में थे। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं मेरे भाई का इंसाफ मिले, और जिसका जिसका नाम बिना मतलब का सबका मोहल्ला का नाम दे दिया है। ये लोग जो जो साइन किया है सबका नाम दे चुका है ये पुलिस, धनसार थाना वाला पुलिस लोग। प्रदीप चौरसिया को बिना मतलब का झूठ मूठ का उनको गलत फहमी हो गया, उनका नाम भी नहीं मैच हो रहा था। आया तो नाम भी नहीं। आज आप लोग किस लिए यहाँ पहुँचे हैं? हम लोग न्याय के लिए यहाँ पहुँचे हैं। हम लोग का केस नहीं लिया गया है यहाँ पे, और वो जो बस उनका जो सर फटा है इस उनका केस लिया गया है, और हम लोग का कोई भी एक्शन यहाँ पे नहीं लिया जा रहा है। भाई नहीं है, जब उनको मालूम हुआ कि मेरा मिस्त्री नाम ही नहीं है, प्रदीप है, तो छोड़ दिए और सोचे कि ग्रामीणों ने हमको पीट देंगे, इसलिए कहा से हड़बड़ में भागने के क्रम में एक आदमी एक सिपाही गिर के जख्मी हो गया, जिन्हें धनसा थाना लेके आई और धनसा थाना लेके उसे सबूत कर दिया। कल हम लोग अप्लीकेशन दिए थे, लेकिन कि हम लोग को कुछ भी कर सकता है तो उसका कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। और इसकी इस कारण के विरुद्ध में हम लोग आज आए हुए हैं, लेकिन अभी तक आज भी कोई परिणाम नहीं निकला। थाने में आए हुए हैं, लेकिन अभी तक थाना प्रभारी भी नहीं मेरे पास आए हैं, ना अपने बारे में कुछ बोले हैं। और आज हम लोग को पता चला है कि उल्टा हम ही लोग पे ये लोग केस कर दिए हैं, कि हम लोग को सरकारी कार्य में हम लोग को बाधा किया गया है, और वो लोग महिलाओं पे क्यों हाथ उठाएंगे, और मेरे देवर को बिना कुछ मेरा नाम पता पूछे ही वो लोग मारने लगेंगे। ऐसा थोड़ी ना होता है। लोकल पुलिस क्या कर रही थी? लोकल थाना कोई नहीं था। कोई भी चार आदमी बोकारो का चार आदमी आके अचानक से किसी भी आदमी को क्यों मारेगा? मेरा परिवार को आदमी को क्यों मारा जाएगा? हम लोग सेल्फ डिफेंस में हम लोग हाथ उठाएंगे। अगर मेरे परिवार को कोई छुएगा तो हम उस पर हाथ उठाएंगे।